नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं इसरो चीफ सिवन की। जी हां, उनको लेकर के लगातार चर्चा आजकल होती रहती है, खासतौर पे तब से जब से चंद्रयान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था और उसके बाद उन्होंने एक तरह से ढांढस बंधाया। उन्हें ये कहा कि इस समय पर निश्चित तौर पर उनकी आंखों में आंसू थे, सिवन की आंखों पर, और वो कह रहे थे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसे सराहा था, लेकिन ये जरूर कहा था कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और इसलिए जो है आपको प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। और अब देखिए कि किस तरह से एक नया ऐलान हुआ है इसरो की तरफ से। वैसे तो 14 फरवरी 2021 में ही सिवन का जो है वो कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन अब उन्हें एक साल का और एक्सटेंशन दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से जो है कुछ चीज़ें जो है वो अधर में लटक गई। और इसके बाद जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्राज़ील के साथ साथ एक तरह का संयुक्त प्रोजेक्ट होगा, जिसमें किस तरह से इसरो चीफ की बहुत बड़ी भूमिका है वो भी सामने निकल कर आई है। और कैसे अब आने वाले समय में जो है भारत, चाहे अब आप ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील के साथ ही जो है, लेकिन एक अहम प्रोजेक्ट के जरिए इस लॉन्चिंग को अंजाम देने जा रहा है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो ने, आपको याद है, 17 दिसंबर को भी श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से PSLV C50 जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसे नाम दिया गया था CMS-01, जो कि साल 2011 में GSAT-11 की जगह लेने वाला था। और इसके बाद ही हमें याद है कि कैसे CMS-C50 को लॉन्च किया गया साल 2020 के लिए। ये इसरो का आखिरी स्पेस प्रोग्राम था। और इसके बाद अगर आप देखें तो अब फरवरी मार्च 2021 में इसरो PSLV-C51 के जरिए ब्राज़ील के सैटेलाइट Amazonia-1 को जो है लॉन्च करने वाला है। तो ये अपने आप में भारत की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसको लेकर के नज़रें इसीलिए सबकी बनी हुई हैं आसमान की तरफ क्योंकि इसरो लगातार जो है अपने परफॉर्मेंस को अब राइज करता चला जा रहा है और दुनिया जिस रेस की तरफ अब आगे बढ़ रही है कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व किसका होगा, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि सबसे पहले जो है इसमें कामयाबी जो है वो USSR, जबकि रशिया का विघटन नहीं हुआ था तब, Sputnik-1 ने पाई थी। उसके बाद जो है वो कैसे अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था, उसके बाद भारत भी पहुंचा निश्चित तौर पर, चीन ने भी कोशिशें की और लगातार ये सारे के सारे देश हैं। इसमें आप इसराइल को भी जोड़ लीजिए तो ये लगातार कुछ ऐसे देश हैं जो अंतरिक्ष की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं, जिसमें भारत का भी नाम काफी अग्रणी संख्या में है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।